मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 46 से 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अब दूतों को निकालते देखा है और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं वह तुम्हारे साथ है। क्रिसमस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो छोटा बने रहने में है वह बड़ा रहने में उसका मजा नहीं है। हम देखते हैं कि अगर हम छोटे हैं या कोई छोटा व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो अगर जगह थोड़ी सी भी होगी तो वे उसमें से भी निकल सकते हैं। जबकि जो अच्छे डीलडॉल का व्यक्ति है, जो बड़ा लंबा चौड़ा है, उसे वहाँ से निकलने में दिक्कत होगी और उसे सभी लोग देख पाएंगे। प्यारे विश्वासियों, प्रभु कहता है कि संकरा है वह मार्ग जो स्वर्ग की ओर जाता है। जी हाँ विश्वासियों, जिस मार्ग पर हमें प्रभु ने चलने के लिए चुना है वह मार्ग बहुत ही संकरा है, बहुत ही छोटा है, और उसके लिए हमें छोटा बनना होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम नाम के लिए, बड़े ओहदे के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए अपने मन की शांति को भंग कर देते हैं। आज हमसे प्रभु कहता है कि हम छोटे बच्चे की तरह बने, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, वह खुश रहता है, क्योंकि वह खुद खुश रहता है वह औरों को भी खुशी देता है। हम सभी को खुश नहीं कर सकते, परंतु हम अपने आप को, हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, और जब हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखेंगे तब हम दूसरों का भी बखूबी ध्यान रख सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों के मन में क्या चल रहा था? उनके मन में एक बात थी, जब वे 3 साल भी अपने गुरु के साथ चल रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि प्रभु जो है एक राज्य की स्थापना करेंगे, जहां पर हम सबों का बहुत ही बड़े रूप में किरदार रहेगा, हमारा अपना नाम होगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु अपने स्वभाव के अनुसार यह कहना चाहते थे कि क्रूस पर मरना और उन यातनाओं को सहना, उसी में प्रभु की महिमा थी। प्रभु ने अपनी महिमा क्रूस पर दिखाई। प्यारे विश्वासियों, आज का यह वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम जिस तरह से सुखों को अपनाते हैं, जिस तरह से हमारे जीवन में जब खुशियां आती हैं उन्हें अपनाते हैं, तो हमें उसी तरह से दुखों को भी स्वेच्छा से स्वीकार करना है। आइए मेरे विश्वासियों, इस वक्त हम जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को हम फैलाएं और ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह शक्ति प्रदान करे, वह हौसला दे कि हम जिस तरह से अच्छे दिनों को भी खुशी खुशी बिताते हैं, उसी तरह से हम दुख के दिनों को भी स्वीकार कर सके और हमें उन सच्चाइयों का सामना करने की शक्ति हमें प्रभु प्रदान करे। आमीन।